नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। इस बीच देखने के लिए मिला कि नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नेताओं को डरा धमका रही है, खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है और जो नेता अपनी मर्जी से नहीं आ रहे उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, खौफ दिखाकर जानबूझकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में देखने के लिए मिला था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, हर एक विधायक को 25-25 लाख ऑफर भी किए गए। हालांकि इस मामले में फिर देखने के लिए मिला कि आतिशी मार्लिना, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा जाता है, मामले में सीबीआई सबूत भी मांगती है। बहरहाल ये मामला लगातार इसलिए बढ़ता जा रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब जो ऑपरेशन लोटस है उसे और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है कि सपा, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से लगातार विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों बीजेपी में ये तमाम कार्यकर्ता नेता शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, इसी को लेकर जब सवाल यहां पर पूछा गया भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता कहे जाने वाले राकेश टिकैत से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। साहब, 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे? चुनाव तो आते रहते हैं, ये चुनाव तो रूटीन में है, हर साल कहीं ना कहीं के चुनाव होंगे, प्रधानी से लगा के जिला पंचायत के होंगे, प्रमुख के होंगे, फिर विधानसभा के होते हैं, फिर लोकसभा के होते हैं, इतने फिर घूम फिर के वहीं आ जाए, तो चुनाव तो हर साल है, तो त्यौहार है पॉलिटिकल आदमियों का। हाँ भाई, राजा ने जिस पे निगाह डाल दी कि यहाँ पे आना है, इसको लेकर आओ, तो तीन तरह की पॉलिसी है वहाँ पे। राजा के दरबार में जाने का तीन तरह से राजा के दरबार में जा सके। सुबह ही अगर कोई जाएगा तो उसकी पॉलिसी है सम्मान का पद ले लो, कोई भी वहाँ चले जाओ उसको सह सम्मान जाएगा, बहुत उसकी इज्जत होगी, फूलमाला देंगे, उसको सम्मान दे देंगे। कोई आदमी रहेगा नहीं, मजे तो कुछ लालच सा भी है, वो दोपहर को चले जाओ, उसको लाभ का पद दे देंगे। और तीसरा, आदमी कुछ आनाकानी करे तो फिर भाई पुलिस फोर्स का इस्तेमाल है, फिर डंडे से जाएगा, जाना पड़ेगा, राजा की निगाह आएगी तो जाना पड़ेगा। वो सम्मान से चले जाओ, वो फिर कुछ लालच बस चले जाओ, खुद अपना पद ले लो, वहाँ पे अपना आराम से रहो। और तीसरा ये है कि राजा ने अगर निगाह फेर दी तो जाना तो पड़ेगा, फिर डंडे से जाकर रात को, फिर पुलिस ईडी आएंगी सारी तो लेकर जरूर जाएंगी। वो 24 घंटे में भर्ती अभियान चल रहा है सरकार का, तो उसमें कोई भी आदमी जा सकता है। उसमें क्या कहेंगे, जिस तरीके से जैन चौधरी, हमें नहीं पता भाई, कोई जा रहे हैं हम तो बता देंगे, जा रहे हैं सब लोग। अच्छा ठीक है साहब, जैसे सिसोली में लाइन लगी हुई है, पहले मंत्री जी ने बड़े चौधरी साहब का आशीर्वाद लिया, अब कल भाई वो तो सबका, वो तो सब बाद में असल में किसको मिलेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो सबका घर है भाई, सबको जाना चाहिए वहाँ पे, सबका घर है, सबको जाना चाहिए वहाँ पे। वोट मांगने तो हम भी तो वोटर हैं भाई, बिना मांगे हम कैसे वोट दे देंगे? वोट तो मांगो हमारे से भी, हम नोटा दबाने वाले तो है नहीं, ठोक के वोट देंगे, मांगो वोट, मांगनी चाहिए, जिनको इलेक्शन लड़ना वो वोट मांगे, उनको यहाँ पे भी आना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे भी सबका स्वागत है, जो आओगे सबका स्वागत है। वोट के दोगे? वोट नहीं बताते किसको देंगे। हाँ क्या लोकसभा 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी 400 पार का भाई, जब अगर 400 पार ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो इसको रिन्यूअल कर दो, क्यों खाम मखा इलेक्शन करवा रहे हैं, वो करवा रहे भाई, इलेक्शन तो कोरिया में भी होता है। अगर ये है कि इसको रिन्यूअल कर दो, फिर क्यों इलेक्शन करवाओ और वो करवाओ,
तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से राकेश टिकैत साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि एक राजा है जिसके पास हर किसी को जाना ही पड़ता है, समय मैटर करता है, समय से पता चलता है कि आखिरकार किस तरह से उन लोगों को राजा अपने पास बुला रहा है। यानी कि सीधे सीधे यहां पर राकेश टिकैत ने बताया कि बीजेपी में जो भी नेता शामिल हो रहे हैं उनके पीछे की आखिरकार वजह क्या है। कई अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कई ऑफर के चलते जा रहे हैं और कई जांच एजेंसियों के खौफ के चलते जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को तोड़ने के लिए ये पूरी साजिश रच रही है या फिर वाकई में ये नेता एक बेहतर उम्मीद के साथ बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।